अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि ये हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, कीपैड वाले, तो इन सभी मोबाइल को आप किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें आप सेटिंग हो या किसी भी किस्म के आपने डाटा वगैरह रेज करना है, इसकी हार्ड को रीसेट कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्यू का मोबाइल है, तो इसमें क्यू कचोडा और इस तरह के बहुत से मॉडल आते हैं, तो क्यू के जितने भी मोबाइल हैं उनको रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपने जाना है, इसकी सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपने, सॉरी, इसकी सेटिंग ये वाली सेटिंग है, इसकी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे नज़र आ जाएगा रीसेट सेटिंग, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ रीसेट सेटिंग, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रीसेट सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे इसको करना है ओके, और यहाँ पे आल पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, चार डिजिट में पासवर्ड आपने देना है, 0 0 0 और फिर 0, ठीक है, चार बार आपने 0 प्रेस करना है और ओके करना है, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे इस तरह का मेन्यू शो हो जाएगा, डिलीट ऑल डाटा एंड रीसेट सेटिंग दैन रिस्टार्ट फोन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ इसको, जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये वाला फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे चाइना के मॉडल हैं जितने भी, ठीक है, ये वाला मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, लाइन मोबाइल है, इसका मॉडल नंबर है L5020, ठीक है, 5020 इसका मॉडल है। तो इसको भी आप वैसे ही हम इसको रीसेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इसको जाना है, सेटिंग में जाना है इसको, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपने करना है ओके, ठीक है, यहाँ पे ओके करने के बाद आपको नीचे नज़र आ रहा, ठीक है, रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, यहाँ पे आपने ओके करना है, और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब जितने भी चाइना के मोबाइल है, जितने जैसा कि क्लब है, लायोन, ठीक है, G5, इस तरह का, जो G5 तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जो कोई और कंपनी है वो उनका पासवर्ड जो है वो ये है 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, मैं दोबारा से इसको कहता हूँ 1 2 3 4, इसको ओके करना है, जैसे ही आपने ओके करना है वही वाला आपको मैसेज शो होगा और आपने यस कर देना है, ठीक है, ओके करना है, और हमारा जो है मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नोकिया के, ठीक है, तो नोकिया का भी वही वाला मेथड है, ठीक है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने रीसेट पे क्लिक करना है, और इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आल नोकिया के कीपैड, जितने भी मोबाइल हैं नोकिया के कीपैड वाले उनका 1 2 3 4 और 5, इनका ये वाले कोड है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो G5 का मोबाइल है, ठीक है, G5 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, करके उसके बाद हमारे पास G5 का फ़ोन है, ठीक है, तो G5 का जो लॉक है वो भी इसी तरह से है, ठीक है, सेटिंग में जाना है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ है थोड़ा सा, इसमें फ़ोन सेटिंग में जाना है और उसके बाद नीचे आ जाना है रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग पे, ठीक है, यहाँ पे आपने वही वाला पासवर्ड 1 2 3 4 ये वाला टाइप करना है, ठीक है, इस तरह से यूज़र डाटा जो है आपका वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई और मोबाइल है, किसी और मोबाइल का आपने कोड ट्राई कर लेना है 1, ठीक है, 2, ठीक है, 2 11 और 22, ठीक है, 11 22 आपने कोड लगा के ओके करना है तो वो भी कोड लग जाता है। उसके बाद 3 3 4 है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ 1, ठीक है, 2, ठीक है, ये वाला एक कोड है, और एक कोड ये है कि आपने 3 3
4444, ठीक है। और सैमसंग के कीपैड मोबाइल के कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका सैमसंग का रीसेट कोड है कीपैड वाले मोबाइल का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर सेंड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।